हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है लिक्वी लोन्स के फाउंडर गौतम आदुकिया। सर, सबसे पहले तो हमारे साथ जुड़ने के लिए आपसे ये समझना चाहता हूँ कि जिस तरह से अब NPCI ने आज कहा है कि क्रेडिट में जो अपॉर्चुनिटी है और फिनटेक के साथ क्रेडिट के जो अपॉर्चुनिटीज बन रही, जिसमें अगले 7-8 साल में जो क्रेडिट 10x हो जाएगा, तो क्या ऐसी चीजें हैं जो क्रेडिट को 10x बनाएगी? थैंक यू अनुराग फॉर हैविंग अस। दो या तीन चीजें हैं प्राइमरली। वन इज कि हिस्टोरिकली कंज्यूमर्स वर अवर्स टू क्रेडिट, अब वो चेंज हो रहा है। नॉर्मल एवरेज कस्टमर इज यूजिंग क्रेडिट कि उसकी कोई छोटी रिक्वायरमेंट है, वेकेशन करना है, कुछ और यूज केस है, तो दे आर यूजिंग अ लोन टू फुलफिल द नीड्स राइट नाउ एंड देन सेविंग लेटर। बिजनेसेस में भी अब अवेलेबिलिटी बढ़ रही है, डेटा बढ़ रहा है, जीएसटी अवेलेबिलिटी, जीएसटी डेटा इज अवेलेबल वेरी इजिली। सो अक्रॉस द बोर्ड नॉट ओनली इज अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इंक्रीजिंग कि जहां जहां रिक्वायरमेंट है वहां बैंक्स या NBFCs पहुंच रहे हैं, कस्टमर का विलिंगनेस भी बढ़ रहा है। तो ये दोनों मिला के इस साल इज अ वेरी इज दिस डेके कहना चाहते हैं कि लोगों की जरूरत भी बढ़ रही है और जो डेटा अवेलेबल हो रहा है जीएसटी या ITR फाइलिंग वगैरह, वो आप जैसी कंपनियों के लिए इजी बना रहा है, क्योंकि आप कंज्यूमर लोन के अंदर है, पर्सनल लोन के अंदर है, तो ये चीजें आपको इजी बना रही है। करेक्ट करेक्ट। तो उसके वजह से कॉस्ट ऑफ लेंडिंग भी कम होते जा रहा है। जो पहले ही एक लोन को डिसबर्स करने का कॉस्ट था, आज के दिन वो पिछले 3 या 4 साल में 1/10 हो गया। अच्छा। तो उसके बिकॉज ऑफ दैट इज कंपनीज आर विलिंग टू पास ऑन दैट बेनिफिट टू कस्टमर्स, तो कस्टमर्स भी उसका फैसिलिटी का फायदा उठा पा रहे हैं। आपकी जो कंपनी है, तो अब आप करीब 2,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गए हैं, तो इसमें मेन जो आपके इन्वेस्टर है वो कौन है और आगे क्या और आप अपने प्लेटफॉर्म को किस तरह से बढ़ा बनाएंगे? तो हमारे दो इन्वेस्टर्स है मेनली मैट्रिक्स पार्टनर्स, जो एक VC फर्म है, और क्रेड, जो एक क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट्स ऐप है। इन द नियर फ्यूचर वी हैव इनफ कैपिटल, हमारे जो अभी पैसे बन रखे हैं, वी आर अ प्रॉफिटेबल कंपनी, उसी से ग्रो करेंगे अगले 3-4 साल तक। अभी शॉर्ट टर्म में हमें कोई एक्सटर्नल कैपिटल की रिक्वायरमेंट। और आखिरी जो आपकी फंडिंग हुई थी वो कितनी हुई थी, कब हुई थी? वो अराउंड $10 million डेढ़ साल पहले 2020। और किसी और वर्टिकल में भी आपका एंटर होने का प्लान है, अभी जो कंज्यूमर फाइनेंसिंग को छोड़ के, पर्सनल फाइनेंस, पर्सनल लोन्स को छोड़ के? नहीं, अभी वी आर वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ दीज टू कैटेगरीज, इनमें काफी ग्रोथ हमें लग रही है अगले 3-4 साल तक। सो इन द शॉर्ट टर्म हम इन दो कैटेगरीज पे फोकस कर रहे हैं। 3-4 साल में अपनी बुक कितना बड़ा करने का सोच रहे हैं? We'll want to grow fast. We'll want to be one of the faster growing fintechs or NBFCs. The market size will determine कि हम कितना grow कर पाएंगे। तो भी सर, अभी आप 2000 करोड़ हैं, तो कितना तक पहुंचने का लगता है? इससे डबल ट्रिपल तो करना ही चाहेंगे बुक, मिनिमम 3 गुना तक। और एक आखिरी चीज है कि आप कह रहे हैं कि हम फिनटेक NBFCs है, तो बाकी से कैसे अलग है? बाकी से टेक्नोलॉजी में अलग है, कस्टमर फोकस में अलग है, कि कस्टमर की कन्वीनियंस पे फोकस करते हैं, ट्राई करते हैं कैसे उसको इजी से इजी लोन दिया जाए। And on the lending side, we have a new age investment product. So, us angle say we've come up with a product which is not only less risky, but also gives a higher return to investors. हमसे बात करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। Thank you, Anand.